अपनी डिश है और उसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम चावल। चावल को हमें धो के धूप में सुखा के लेना है अच्छे से। नारियल का दूध लेंगे, एक नारियल का आधा कटोरी लेना है दूध और इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करके इसका दूध निकालना है। गुड़ लेंगे हम 100 ग्राम। इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। चारुली लेंगे थोड़ा सा। फूड कलर लेंगे ऑरेंज 1/2 टीस्पून से भी कम। बादाम लेंगे 10, इसे बारीक टुकड़ों में कट करना है। घी लेंगे हम 1 टेबल स्पून। नमक लेंगे थोड़ा सा। सब में पहले हम बड़े साइज का टोप लेंगे और इसे गैस पे रखी हूँ मैंने। इसमें मैं अभी चावल ऐड करूंगी। चावल को हमें भूनना है। बारीक आंच में हम लगातार इसे 10-15 मिनट तक अच्छे से भून के निकालेंगे। इसका हल्का ब्राउन कलर हमें करना है चावल का, तो हमें बारीक आंच में इसे भूनना है। चावल हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे तुरंत एक कटोरी में निकालेंगे। अभी हमें इसे ठंडा करने के बाद इसे बारीक पीसना है। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसे दरदरा हम पीसेंगे और इसका दरदरा पाउडर बनाएंगे। फिर हम वही तपेला गैस पे रखेंगे। अभी इसमें मैं नारियल का दूध ऐड करूंगी। और इसमें साथ में गुड़ ऐड कर दूंगी। बारीक आंच रखना है और गुड़ को दूध में अच्छे से पिघलने देना है। तो इसे बारीक आंच में हम गुड़ को पिघलने देंगे। चावल हमारा पीस के तैयार है। बस इसी तरह से हमें इसे दरदरा करना है, आप देख सकते हैं। अभी हम दूध की तरफ आएंगे। नारियल का दूध और गुड़ भी पिघल चुका है। अभी इसमें हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे। इसमें डालूंगी पहले मैं 1 चम्मच घी। साथ में इलायची पाउडर ऐड करेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा सा और इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। इसे मिला देंगे। गैस को थोड़ा फास्ट करना है अभी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अभी हमें गैस को कम रखना है और चावल डालूंगी जो हमने पीस के रखा है। और लगातार हम चावल को नारियल के दूध में अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। बारीक आंच में पकाना है, तेज आंच में नहीं पकाएंगे वरना चावल कच्चे रह जाएंगे। तो बारीक आंच में इसे पका के लीजिए। चावल हमारा अच्छे से पक गया है और नारियल का पानी भी ड्राई हो गया है। अभी हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट डालेंगे। चारुले ऐड करूंगी। बादाम ऐड करेंगे। इसे मिलाएंगे पहला। इसे अच्छे से सेट करेंगे हम। अभी हमें इसे दम पे देना है तो चम्मच से इसे बराबर सेट करके लेंगे। फिर से ड्राई फ्रूट ऊपर से डालूंगी मैं। और चारोली भी ऐड कर दूंगी। अभी हम छोटा सा ढक्कन रखेंगे गैस के ऊपर। इसे दम पे देना हमें और इसके ऊपर हम टोप रखेंगे और ढक्कन से ढक के इसे हमें बराबर 25 मिनट दम पे रखना है। 25 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाऊंगी मैं
मोकल हमारा दम पे आ चुका है, इसे चम्मच से नहीं चलाएंगे हम, बस गैस को बंद कर देंगे और इसे टुकड़ों में हमें कट करना है। फिर से ढक्कन रख दूंगी, हल्का ठंडा होने के बाद इसे टुकड़ों में हम कट करेंगे। मोकल का मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है, ढक्कन को हटाऊंगी। अभी इसे हमें टुकड़ों में कट करना है, छुरी की मदद से इसे कट करते जाएंगे हम। ये हल्का ठंडा होने के बाद आसानी से कट हो जाता है इस तरीके से। आपको जितना साइज रखना है आप रख सकते हैं, छोटा बड़ा उस हिसाब से कट कीजिए। मोकल हमारा कट हो चुका है, अभी इसे हम निकाल देंगे। बस इसे इस तरीके से निकालते जाना है। मोकल हमारा सर्व करके तैयार है, आप देख सकते हैं। इसे मैं दिखाती हूँ, ये चावल के दाने एकदम से खिले खिले बने हैं, इसीलिए कोकनी में इसे मोकल कहते हैं। इस रेसिपी को जैसे खुले खुले चावल पूरे, इस तरीके से इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।